मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी समाज मनोविज्ञान से संबंधित है, और यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव मेथड से होने हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिर वो चाहे बीए में हो, एमए में हो या फिर पीजीटी की यूपीपीजीटी की तैयारी कर रहे हों। चैनल पर अब तक पर्सनालिटी और मेंटल टेस्ट, उनके अलावा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च, इन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे उन प्लेलिस्ट तक पहुँचें और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, सांवेगिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति निम्नांकित में से किस तरह के नेतृत्व को पसंद करेंगे। तो जो व्यक्ति सांवेगिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे व्यक्ति सत्तावादी नेतृत्व, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148, किसी अनुक्रिया की परिशुद्धता की निश्चितता को बढ़ाने की इच्छा से उत्पन्न गोचर या घटना को क्या कहा जाता है। तो ऐसी फिनोमिना को हम आदर्शतात्मक या मानपरक प्रभाव कहते हैं, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, समूह का ऐसा सदस्य जिसे समूह से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे सदस्य को अनचाहा या अनवांटेड कहते हैं, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नंबर 150, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए कोई बड़ा उपकार करें तो पहले आप उनसे एक छोटा उपकार करने के लिए कहिए, बाकी अपने आप हो जाएगा, इस पर विधि को क्या कहा जाता है। आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही लग रहा होगा, बट यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, ये ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, प्रयोज्यों में अनुपालन दबाव, कन्फर्मिटी प्रेशर उत्पन्न करने के लिए कई तरह के चर उत्तरदायी होते हैं। अगर आपको कन्फर्मिटी से भी वीडियो चाहिए तो उसके लिंक भी नीचे प्रोवाइड हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कौन से ऐसे कथन हैं जो कन्फर्मिटी प्रेशर के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर कुछ कोड्स हैं, उनमें से हमें सही कोड का चुनाव करना है। आपका पहला कथन है सामाजिक दबाव समूह का आकार, दूसरा कथन है समग्रता के कारण उन लोगों के प्रभावों को स्वीकार करना जिन्हें हम पसंद करते हैं, तीसरा कथन है सामाजिक समर्थन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, और लास्ट कथन है आदर्शात्मक प्रभाव, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर जो आपका कथन 2 और 3 है वह सही है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, मापनी निर्माण स्केल कंस्ट्रक्शन के किस विधि में निर्णायकों या मार्गदर्शी प्रतिदर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो सामाजिक दूरी मापनी है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 133 थोड़ा सा विवादास्पद है, उसके आंसर में कन्फ्यूज़न है। मनोवृत्ति परिवर्तन का सामंजस्य सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध टोनेनबॉम से है, तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, मनोवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन में संगतता की व्याख्या निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत करता है। तो जो संगतता की व्याख्या है वो आपका बैलेंस थ्योरी करता है, संतुलन सिद्धांत, तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156, शब्दार्थ विभेदक मापनी निम्नांकित में से किस
शब्दार्थ विमा का मापन करती है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर मूल्यांकन एवं शक्ति का, सेकंड ऑप्शन शक्ति एवं क्रिया, तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन एवं क्रिया और लास्ट ऑप्शन है मूल्यांकन क्रिया एवं शक्ति का। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है मूल्यांकन शक्ति एवं क्रिया, इसका मापन किया जाता है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 157, मनोवृत्ति परिवर्तन को निम्नांकित में से कौन कारक प्रभावित नहीं करता है। तो मनोवृत्ति परिवर्तन में जो आपका अनुनयन संदेश होता है, परसुएसिव मैसेज होते हैं, उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ जो आपका संदेश की संरचना है, उस संदेश का जो स्ट्रक्चर है, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। तो अगर ऑप्शंस की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जहाँ पर है एक एवं दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 158, मनोवृत्ति मापने की लोकप्रिय विधि जिसे हैमोंड ने प्रतिपादित किया था तथा जिसका नाम त्रुटि प्रसन्न प्रवृद्धि एरर चॉइस टेक्निक है, को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे हम प्रच्छन्न संचरित विधि डिस्ग्विंस्ड स्ट्रक्चर्ड मेथड के अंतर्गत रखते हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 159, मनोवृत्ति मापने की वह कौन सी विधि है जिसमें एकांशों की अनुक्रियाओं के आधार पर माध्यिका तथा चतुर्थक यानी मीडियन एवं क्वार्टाइल ज्ञात करना आवश्यक होता है। तो जो आपका इक्वल अपेयरिंग इंटरवल मेथड है, सम आभासी अंतराल विधि, इसमें हमें मनोवृत्ति मापने के लिए मीडियन एवं क्वार्टाइल दोनों को जानना आवश्यक होता है, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, निम्नांकित में से किसे नेता का एक गौड़ कार्य माना जाता है, एक सेकेंडरी फंक्शन माना जाता है। तो नेता का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो यह है कि समूह के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना। सेकेंडरी फंक्शन होता है कि नेता पिता तुल्य के रूप में बना रहे, अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए पिता तुल्य के रूप में भी बना रहे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, निम्नांकित में से कौन संचार में औपचारिकता अनौपचारिकता से अधिक होती है। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि किस संचार में जो औपचारिकता होती है वो अनौपचारिकता से अधिक होती है। तो यहाँ जो आपका लोक संचार है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, वहाँ पर औपचारिकता अनौपचारिकता से अधिक होती है, आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, टॉरेंस के अनुसार एक वनमानुष को अमेरिकन चिन्ह भाषा साइन लैंग्वेज के कितने शब्दों को अब तक सिखलाया जा चुका है। तो टॉरेंस के अनुसार अब तक 200 शब्दों को सिखलाया जा चुका है, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 163, हाव भाव के द्वारा किए गए संचार का संबंध किससे होता है। तो हाव भाव के द्वारा जब संचार होता है तो हम उसे काइनेसिक्स कहते हैं, आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक का योगदान कम्युनिकेशन में यानी संचार में, विशेषकर अशाब्दिक संचार में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है मेहराबियन का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165, मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संचार में संप्रेषण के संपूर्ण भाव को समझने के लिए अशाब्दिक संचार तथा शाब्दिक संचार के महत्व का एक निश्चित प्रतिशत है, निम्नांकित में से कौन सा सही है। तो यहाँ जो निश्चित प्रतिशत होता है वो 93% अशाब्दिक संचार का और 7% शाब्दिक संचार का होता है, आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा संचार पूर्णतः एक मार्गी होता है। तो आपके ऑप्शन है
पहला संगठनात्मक संचार ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, दूसरा है लघु समूह संचार स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा है लोक संचार पब्लिक कम्युनिकेशन और चौथा है जन संचार या मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है जन संचार या मास कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नांकित में से संप्रेषक जो कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेटर की कौन विशेषता संचार को सबसे अधिक प्रभावी बनाती है? कम्युनिकेटर की विश्वसनीयता तथा विशेषज्ञता सबसे अधिक प्रभावी बनाती है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, रिलायबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज। क्वेश्चन नंबर 168, संचारित सूचना कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन की कौन विशेषता से संचार सबसे अधिक प्रभावी होता है? आपके ऑप्शन है एक तरफा सूचना बनाम दो तरफा सूचना, नवीनता प्राथमिकता बनाम अभिनवता, और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके ऊपर के तीनों ही ऑप्शन संचरित सूचना से संबंधित हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नंबर 169, निम्नांकित में से कौन विश्वासोत्पादक संचार परसुएसिव कम्युनिकेशन है? आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वह जो ज्ञान एवं तथ्य पर बल डालता है, उसे हम परसुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 170, किसी संचार नेटवर्क की प्रभावशीलता अन्य नेटवर्कों की तुलना में निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है संप्रेषक की विश्वसनीयता पर, जो कम्युनिकेटर है उसकी रिलायबिलिटी पर यह निर्भर करती है, आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 171, वृत्ताकार संचार सर्कल टाइप कम्युनिकेशन किस उद्देश्य हेतु सर्वोपयोगी होता है? तो यह आपका सक्षम निर्णय प्रक्रिया में सर्वोपयोगी होता है, तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 172, सत्ताधारी नेतृत्व की सफलता के लिए कौन सा संचार नेटवर्क लाभदायक सिद्ध हुआ? तो सत्ताधारी नेतृत्व के लिए आपका जो चैन नेटवर्क है, श्रृंखला नेटवर्क, ये लाभकारी सिद्ध हुआ, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, संचार का वह तंत्र जिसमें अनौपचारिक स्तर पर सूचनाएं विभिन्न प्रणालियों में प्रभावित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम फिल्टरिंग कहते हैं, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 175, जिस सूचना में समस्तरीय कर्मचारियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है? मतलब आप एक ही लेवल पर जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच जब आदान प्रदान होता है, तो हम उसे पार्श्विक संचार या लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। प्रॉक्सिमिक्स के अध्ययन में किया जाता है, तो प्रॉक्सिमिक्स के अध्ययन में हम व्यक्तिगत क्षेत्र पर्सनल स्पेस का अध्ययन करते हैं, आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। और इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को अटेम्प्ट किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।